तरस है उस चीज़ को लेकर दिक्कत काफ़ी आ रही है आने वाले दिन में। जो मैं सुन रही हूँ इस तरह की जो खेल है उनकी गलती रहती है, पर कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स और टप को लेकर प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे आज यहाँ पे आने का मौका मिला डिस्ट्रिक्ट जो आपकी स्टेट्स की बॉडी है उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शन। जैसे मुझे बताया गया कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सम वेरी गुड इंस्टीट्यूशन देना पार्टिसिपेटेड और इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स की भी पार्टिसिपेशन रही है। जो बात आप कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात करूँगा, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बात कर रहे हैं, खासकर रूरल स्टेट्स का आप कहते हैं कि टैलेंट है लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। विल डेफिनेटली लुक इन टू दैट हाउ दैट कैन बी अपडेटेड, हाउ दैट कैन बी मैनेज एंड बी एश्योर्ड दैट के अब जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ इस एरिया में एक BTS है और एक शायद यूनिवर्सिटी के पास ही रोलर स्केट्स रिंक है, तो कहीं ना कहीं पे कटरा में आसपास में बिकॉज रिंक बनाना मेरे हिसाब से लगता है कि दैट नॉट इज दैट मच कॉस्ट कंज्यूमिंग बट यू कंज्यूमेबल्स हैं जो बच्चे रोलर स्केट्स यूज़ करते हैं उसके साथ में जो उनको और एक्सेसरीज चाहिए होती है बॉड्स वगैरह, तो वील डेफिनेटली फाइंड हाउ दैट कैन बी डन एंड फाउंड दैट कैन बी डन सो दैट इफ देयर इज अ टैलेंट इन द चिल्ड्रन चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स के हों चाहे वो सरकारी स्कूलों के हों, उन बच्चों का टैलेंट सिर्फ इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि उनको सुविधाओं का अभाव है, सुविधाओं की कोई कमी है। सरकार देखेगी वो सुविधाएं कहाँ से लानी है और वो डेफिनेटली लाई जाएंगी और बड़ी जल्दी लाई जाएंगी। थैंक यू सो मच।